दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को जीतने की हर मुमकिन कोशिश करने में लगी हुई है और ऐसे में इंट्रा स्क्वाड मैच में भी खिलाड़ियों ने जिस तरह से अपना खेल दिखाया वाकई में काबिले तारीफ था। लेकिन भारतीय टीम की शानदार प्रैक्टिस को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने भारत के लिए जहर उगलते हुए ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। विलियमसन ने क्या कहा ये तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज में किस खिलाड़ी को इस फाइनल मुकाबले में खिलाया जाना चाहिए? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ 18 जून से साउथहैम्पटन के एजिस बाउल स्टेडियम में खेलना है, जिसके लिए भारतीय टीम ने अपना क्वारंटाइन पीरियड खत्म करने के बाद खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। भारतीय टीम इस महामुकाबले को जीतने के लिए कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने भारतीय टीम को चेतावनी देते हुए पहले ही जाहिर कर दिया है कि भारतीय टीम के लिए ये फाइनल मुकाबला आसान नहीं होने वाला। वैसे कहीं ना कहीं भारतीय टीम के ऊपर थोड़ा सा दबाव जरूर होगा, क्योंकि भारतीय टीम ने जब अंतिम बार न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट का दौरा किया था तो न्यूजीलैंड की टीम ने 2-0 से भारतीय टीम को हरा दिया था। लेकिन अब वो घड़ी नजदीक आ चुकी है जब भारतीय टीम पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है और अपने पुराने हिसाब किताब को चुकता करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। आपको बता दें कि सभी खिलाड़ियों को दो टीमों में बांट कर खिलाड़ियों के बीच में इंटर स्क्वाड मैच खेला गया। खिलाड़ियों ने इस प्रैक्टिस मैच में शानदार खेल दिखाते हुए सभी का दिल जीत लिया। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा ने इस प्रैक्टिस मैच में भी शानदार अपनी छाप छोड़ी। भारतीय खिलाड़ियों का ये अंदाज देखकर केन विलियमसन पूरी तरह से हैरान रह गए और केन विलियमसन का बड़ा बयान सामने आया। विलियमसन भारतीय टीम के खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन देखकर काफी ज्यादा आग बबूला हो गए। उन्होंने भारतीय टीम के लिए गुस्से में जहर उगलते हुए कहा कि भारतीय टीम कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन इस फाइनल मुकाबले को जीतने में हमारी रणनीति उसे कामयाब नहीं होने देगी। ये कहना पूरी तरह से गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम प्रैक्टिस में अच्छा खेल दिखा रही है और जिस तरह से ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करी, ये हमारी टीम को पहले ही अंदेशा मिल गया है कि इस बल्लेबाज से हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों के लिए तो हम पहले ही रणनीति बना चुके हैं और हमारे पास ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी जैसे तेज गेंदबाज हैं जो इंग्लैंड की इस उछाल भरी पिचों पर भारतीय टीम को शुरुआती झटका देने में कामयाब होंगे। हालांकि हम पूरी तरह से अपना गेम प्लान सेट कर चुके हैं और इस फाइनल मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीतने देंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस में अपना खेल दिखाया, ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी टीम ने इस मुकाबले को जीतने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ने वाली है। और आप सभी को क्या लगता है कि होने वाले इस फाइनल मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, न्यूजीलैंड या फिर भारत? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।